अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। बहुत देर बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी थी, कुछ तरह तरह के काम थे जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाई। आप देख रहे हैं कि ये पैकिंग जो है मैं कर रही हूँ, सारी कमरे में जो है वो गंद मचा हुआ है, इस वजह से, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी मदर की तरफ। तो सबसे पहले हम जाएंगे एयरपोर्ट और फिर एयरपोर्ट से जाएंगे हम घर। अब आप सोच रहे होंगे एयरपोर्ट पे क्यों जाएंगे। एयरपोर्ट पे इसलिए जा रहे हैं भाई कि मेरी जो सिस्टर है तकरीबन 5 साल बाद जो है US से पाकिस्तान आ रही है, तो हम उसको एयरपोर्ट जो है वो रिसीव करने जा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने ये हाशवी रिहर्सल वगैरह के जो है कपड़े सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि कौन से पहनाऊँ क्या ये, क्योंकि मौसम भी काफ़ी जो है वो चेंज हो गया है। तो आज आके फिर ये वाला जो है एड्रेस मिला इन बच्चों के लिए कि हल्के फुल्के जो है ड्रेसेस जो है इस मौसम में जो है वो चल रही है। यहाँ पे जो है बच्चे भी जो रेडी हो रहे हैं और जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। यशल किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, याना को लेने जा रहे हो। और जी ये जो है हाशिर साहब जो कि बहुत ज़्यादा शैतान है और बार बार तंग कर रहे थे, ये भी जो है वो रेडी हो रहे हैं जाने के लिए और बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड थे। यहाँ पे मेरा सामान था कुछ रखने वाला, बहुत ज़्यादा जो है पैकिंग करना कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है। यहाँ पे मेरा तकरीबन सामान जो है ऑलमोस्ट पैक हो चुका है। घर पर ही बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और फ्लाइट जो थी वो 1 बजे की थी। तो जी हम यहाँ पर निकल पड़े हैं एयरपोर्ट के लिए और रास्ते में कहीं जगह हैं जहाँ पर धुंध है और कहीं पे जो है वो बिल्कुल साफ जो है वो एरिया था। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जो आपको मोबाइल पे धुंध नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे थोड़ी लग रही है और आगे थोड़ा सा आगे जाते थे तो धुंध बिल्कुल भी जो है वो नहीं होती थी, बिल्कुल साफ सुथरा जो है वो वेदर है। मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, लेकिन ये वो वाला मौसम है जिससे जब जाने लगती है सर्दियाँ तो फिर बच्चों को ख़ुद को जो है वो सेफ करके रखें, ख़तरनाक साबित हो सकती हैं जो जाती सर्दियाँ, और कहते हैं बड़े कहते हैं कि आती गर्मियाँ, ये जो मौसम है तो इससे जो है वो अपने बच्चों को अपने आप को महफूज रखें। यहाँ पे जो है हम एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक है, ये आपको सामने जो लाइटिंग नज़र आ रही है ये एयरपोर्ट की है और यहाँ से जो है बहुत स्पीड के साथ 140 पे जो है हमने ड्राइव करके तो जल्दी से एयरपोर्ट पहुँचे। और हमें लग रहा था कि हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, पर जब हम एयरपोर्ट पहुँचे तो ऐसे कुछ भी नहीं था। तकरीबन 1 बजे की फ़्लाइट थी और 2:30 बजे जाके जो है ना पैसेंजर जो हैं वो बाहर आए थे, तो मुझे लगा कि हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो इसलिए हम गाड़ी जो है धुलाई जा रहे थे। तो जी हम ये एयरपोर्ट के जो है वो बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। यहाँ पे इन्होंने जो है अराइवल्स उनका रास्ता जो है वो बंद किया हुआ था जहाँ से, इसलिए हमें जो है वो दूसरी साइड को लेना पड़ा और यहाँ पे हम जो बस एयरपोर्ट के अंदर जो है वो एंटर होने ही वाले हैं। ले जी हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट जाके जो है वो कार पार्किंग का मसला पड़ गया कि भाई इतना दूर जो है हम कहाँ गाड़ी पार्क करें, बच्चे हैं साथ में। तो जी आखिरकार जो है वो हमें गाड़ी पार्क करने की जगह मिल गई और हम फिर वहाँ से पैदल चलते ही चलते यहाँ पे पहुंच गए। और यहाँ पे पता चला कि जी यहाँ पे इन्होंने आगे जो है वो नहीं जाने दे रहे, तो काफ़ी डिस्टेंस पे जो है इन्होंने लोगों को जो है वो खड़ा करके रखा था, बट अंदर से जो है पैसेंजर्स बहुत स्लोली जो है वो आ रहे थे और हमें इंतज़ार था हमारी सिस्टर का, बच्चों का। तो बस बड़ी एक्साइटेड होकर हम खड़े थे कि और बस नज़रें जो हैं वो दूर दूर लोगों के ऊपर थी कि जल्दी से जो है वो लोग आ जाएं। तो हम काफ़ी देर के खड़े थे जिसकी वजह से हस्बैंड जी ने बोला कीजिए आप, घर वालों ने बोला कि आप जाके बैठ जाओ, लेकिन आपको पता है जिनके साथ इस तरह के शरारती बच्चे होते हैं वो बंदा कहाँ बैठ सकता है। तो 1 मिनट के लिए भी इस लड़के ने हमें बैठने नहीं दिया। ले जी इंतज़ार के जो है वो घड़ियाँ ख़त्म हुई और आखिरकार जो बच्चे भी आ गए, सिस्टर भी आ गए और बहुत ही ज़्यादा जो है एक्साइटेड थे बच्चे एक दूसरे से मिलने के लिए। ओए जूतू, ओए मोनू बिलू, छोटी सी ना, आजू यशल, उसे दूर से क्या यशल, बस 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 बस
पकड़ा है। अच्छा मैंने कहा किसने पकड़ा? चुचू मम्मा देख रही हो? नजर नहीं आ रही। और आंटी आप ठीक है? अरे कितने क्या यशर? याना ने याना कितने यशर? मामा को बता देना मैं पहुंच गई। मेरा किसी ये मम्मा इधर है। क्या हुआ इसके शूज उतर गए? चलो इसको पकड़ो। शूज उतर गए। ले जी हम ये अब वापस जा रहे हैं। और आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते हो जब आप अपने से जो है अपने किसी से इतनी देर के बाद जो है वो मिल रहे होते हो, तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो उसे मिलने के लिए। और जी यहाँ पे जो है सब आए हुए थे मिलने के लिए और अब हम जो है वो वापस जा रहे हैं। बहरहाल ये तो पहले जो है वो अपने इन लॉज में जाएगी, उसके बाद जब हम यहाँ पर इकट्ठे होंगे तो फिर होगा मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो फन। तो जी ये रास्ते में मम्मा की वीडियो कॉल भी जो है वो चल रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा था भाई मुझे लाइव दिखाओ, मेरा दिल जो है ना वो कर रहा है कि मैं भी जो है वो साथ। आशिर को याना सिम लाओ, शेक इन करो, शेक इन करो। वेरी गुड। वो देखो आशीर, आशीर वो देखो, ये कौन है? अच्छा ये कौन है? रियान बीबी क्या हाल है बेबी का? हे याना सती लग रही है? नहीं सती क्या कर रही हो? ये देखो फिर मम्मा कहने एक्शन एक्शन। आपको पता है मैं कौन हूँ? पता है ताओ उसने देखते ही यशल को बोला यशल। उसको पता है आपको? यशल पता है मैं कौन हूँ? बता दो आपको पता है मैं कौन हूँ? याना Yes or no? Yes? ओए चुचू मानो बिलो बच्चे जो है इंतहा के थके हुए थे, बहुत ज्यादा बेचारे गुमसुम बैठे। और जी चुचू बेबी तो फिर बच्चे भी और बड़े भी दोनों थक जाते हैं, बट अगर बच्चों के साथ सफर हो तो बस फिर अल्लाह ही हाफिज है। किधर है पता नहीं। और यशल, यशल किसके साथ है? मामू के साथ है? पता नहीं हाँ, वो तो उनके साथ ही है यशल, छोटी बेबी। तौबा हमें पता ही नहीं चला कि एक्साइटमेंट में अपने बच्चों को तो देख ले, बच्चे का इधर उधर ना चले जाए। इतनी एक्साइटमेंट में हमें कोई पता नहीं था कौन सा बच्चा किधर जा रहा है और कौन सा बच्चा किसके साथ। दादी जान, दादी जान बोलती है, दादी जान। अच्छा बड़ी प्यारी लगती है जब नानी। अच्छा नानी जान, दादी जान जी। आशीर बाज आ जाओ। वो देखे वो हिली नहीं, हिली नहीं रहा वहां से। आशीर, आशीर वासु याना को वासु उसको देखें जरा, उसके भाई देखो कितने सुकून से। अच्छा जी तो तंग आके जो है हम लोगों ने जो बच्चों को जो गाड़ी में बिठा दिया, क्योंकि ये इधर जो है रोड काफ़ी जो है वो ट्रैफिक थी, तो इसीलिए जो है हमने बच्चों को जो है वो गाड़ी के अंदर बिठा दिया। और ये याना बहुत एक्साइटेड है हाशिर से मिल के, और इसका दिल नहीं खड़ा था कि मैं जो है इनसे जो है वो दूसरे घर जाऊँ। मैं ये यशल के साथ और उसके हाशिर के साथ ही रहना चाहती हूँ।
ये जी मेरी नानो भी उतर आई उनसे मिलने के लिए। और तो मम्मा आप कैसे खड़ी हो सकते हैं, वो गाड़ी में बिठाया हुआ था क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है आपको पता है जैसे, तो ऐसे ही चल के तो फिर हो सकता है उनकी तबीयत वगैरह का जो है वो ख़राब ना होती, इसलिए जो है हमने उनको बोला आप चुप करके गाड़ी में बैठे रहे तो हम उनको मिल के आपके पास ही ले आते हैं। जी फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप समझ गए होंगे कि मेरी इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आई। पहले हाशिर की जो है वो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसके बाद जो है वो तैयारी बहुत ज़्यादा करनी थी, वो आ रही थी तो बिल्कुल भी टाइम जो है वो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं वीडियो जो है वो एडिट करके वीडियो शूट करके तो वीडियो अपलोड करूँ। तो ये थी छोटी सी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। यहाँ पर सब जो है अपने अपने रास्ते जा रही हैं और उसके बाद जो है इंशाल्लाह जल्द ही जो है वो वीडियो अपलोड करूँगी। ले जी फ्रेंड्स, अब हम घर जा रहे हैं, बहुत ही थके हैं, यहाँ पे रात के 3 बज रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत जल्द अपलोड करूँगी, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।